आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल मसाला खिचड़ी और हम इसे खुले में पकाएंगे एकदम परफेक्ट माप के साथ। स्वाद ऐसा कि आप बार बार बनाना चाहेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट खिचड़ी बन के तैयार होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वेजिटेबल खिचड़ी बनाने के लिए हम यहाँ एक कटोरी मूंग दाल लिए हैं, एक कटोरी चावल लिए हैं। आप यहाँ कोई भी चावल इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का क्वांटिटी सेम रखे हैं। आप चाहे तो आधा कटोरी दाल, एक कटोरी चावल रख सकते हैं। दाल में छिलके वाला दाल भी ले सकते हैं। दाल चावल को अच्छे से धो लीजिए। हम यहाँ अच्छे से धो लिए हैं और इसको फूलने के लिए एक घंटा रख लेंगे। फूले हुए दाल चावल की खिचड़ी बनाते हैं तो ज़्यादा हेल्दी होता है और पाचन में भी अच्छी होती है। यहाँ पर हम कुकर गरम कर लिए हैं। यहाँ पर आप पतीला भी ले सकती हैं, लेकिन आज हम कुकर में बनाएंगे। इसमें डाल लेंगे सरसों ऑयल, एक चौथाई चम्मच साबुत जीरा, इसमें डाल देंगे दो तेजपत्ता और चार से पांच हम हरी मिर्च को कट करके रखे थे उसको डाल देंगे, दो से तीन लहसुन कलियां पीस के रखे थे उसको डाल देंगे, दो छोटे साइज के प्याज कट करके रखे थे उसको डाल लेंगे, सारे मसालों को हम एक से दो मिनट तक भून लेंगे अच्छे से। अगर आप यहाँ भंडारा वाला बना रही हैं तो वहाँ पर लहसुन और प्याज स्किप कर दीजिए। यहाँ पर दो से मिनट तक फ्राई कर लिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे सब्जी जो हम वेजिटेबल कट करके रखे थे उसको हम डाल लेंगे। एक छोटे साइज का लौकी कट किए थे, एक छोटे कटोरा फ्रोजन मटर डालेंगे, एक छोटे साइज का आलू कट करके रखे थे, चार से आठ गोभी के कलियां डालेंगे। यहाँ पर आप मनपसंद अपना वेजिटेबल डाल सकती हैं। हमने यहाँ पर सब्जियों के बड़े पीसेस में कट किए हैं ताकि दाल खिचड़ी बनने तक ये दिखे, एकदम से मैश ना हो जाए। इसको चार से पाँच मिनट तक ढक के पकाना है एकदम मीडियम फ्लेम पर। इसको चार से पाँच मिनट तक चलाना है। गैस का फ्लेम लो कर देंगे। तो चलिए चार से पाँच मिनट तक सब्जी का हो गया है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं क्योंकि सब्जी का कलर चेंज हो गया है। इसमें अब हम डालेंगे सूखा मसाला। मसाला हमें यहाँ ज़्यादा नहीं डालना है। यहाँ पर डालेंगे एक चम्मच नमक, आप स्वाद अनुसार ले लीजिए, हाफ चम्मच हल्दी, एक चौथाई चम्मच गोलकी। अब यहाँ सारे मसालों को मिक्स करेंगे। यहाँ पर सब्जी ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि दाल चावल में भी सब्जी पकेगा। इसको एक मिनट तक भून लेंगे। मसाला लगभग फ्राई हो गया है। अब इसमें हम चावल डालेंगे। अब यहाँ डालेंगे दाल और चावल जो हम भिगा के रखे थे, इसका अच्छे से पानी निकाल लिए हैं। दाल चावल को अच्छे से हम मिला लेंगे।
अगर आप इस तरह से बनाएंगे दाल खिचड़ी तो बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है। इसको एक मिनट तक भूनना है। यहाँ पर एक मिनट तक भून लिया। अब इसमें डालेंगे पानी। पानी दोस्तों यहाँ हम जिस कटोरे से माप लिए थे दाल और चावल उसी कटोरे से चार गुना पानी लेंगे। और इसको फिर से चला लेंगे। अब इसमें डालेंगे हरा धनिया पत्ता। और यहाँ पर और टेस्टी बनाने के लिए डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाला डालने से खुशबू भी अच्छा आ जाता है। और इसका हम ढक्कन बंद करके तेज आंच पे एक सीटी लगाएंगे। यहाँ पर एक सीटी आ गया है। अब गैस का फ्लेम को लो कर देंगे और दो से तीन मिनट तक फिर से पकाएंगे। यहाँ पर दो से तीन मिनट तक हम पका लिए हैं। अब गैस को बंद कर देंगे और ठंडा होने तक इंतजार करेंगे। यहाँ पर ठंडा हो गया है। अब इसको खोल कर देखेंगे और इसमें बहुत दोस्तों यहाँ पर पानी कम लग रहा है तो इसमें गर्म पानी डाल लेंगे, हल्का गुनगुना पानी। फिर इसको अच्छे से चला लेंगे। देखिए यहाँ पर कितना कलरफुल खिचड़ी बनकर तैयार हुआ है। जिसमें दाल चावल सब्जी भरपूर मात्रा में हो तो फ्रेंड्स आप इस तरह से खिचड़ी बनाकर देखिएगा। खिचड़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। देखिए गर्मा गर्म बहुत ही ज़्यादा खिचड़ी टेस्टी बन के तैयार हुआ है। अगर खिचड़ी आपको पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ।